नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के विभिन्न क्षेत्रों में बालू गिट्टी का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। बगहा अनुमंडल क्षेत्र के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तमाम क्षेत्रों में बालू गिट्टी का काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। रोजाना ओवरलोड वाहनों के कारण सड़क भी समय से पहले ही क्षतिग्रस्त हो रहा है। वहीं अवैध खनन के कारण सरकार को हर महीने लाखों रुपए राजस्व का नुकसान होने के साथ ही अवैध खनन के चलते बरसात में नदी की धारा भी मुड़ जा रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुड़ी हुई नदी की धारा सीधे तौर पर गांवों में जाकर खूब तबाही मचाती है। बता दें कि वाल्मीकि नगर से लेकर हरना टाण के विभिन्न प्रतिबंधित घाटों से प्रतिदिन दर्जनों ट्रैक्टर ट्रेलर से बालू व गिट्टी का तस्करी किया जा रहा है। अब इसे संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत कहें या लापरवाही, जो ये खनन माफिया पूरी तरह सक्रिय हैं। वाल्मीकि नगर से खनन कर पत्थर व गिट्टी दोन कैनाल के रास्ते चंपापुर, छतरौल, मिश्रौली होते हुए विभिन्न जगहों पर पहुंचाई जा रही है। क्षेत्र के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस, वन तथा खनन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के कंधे पर अवैध धंधे को रोकने की जिम्मेदारी बनती है, किंतु शायद मिलीभगत के कारण यह काला धंधा खूब फलता फूलता जा रहा है। वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र, गनौली वन क्षेत्र तथा हरनाटार वन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन माफियाओं का कारोबार धड़ल्ले से बिना रोक टोक के संचालित किया जा रहा है। इस विषय में बात करने पर लौकरिया थाना अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि इस तरह का कोई मामला संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो कार्यवाही की जाएगी। वही भारतीय थारू कल्याण महासंघ के अध्यक्ष दीप नारायण प्रसाद ने खनन की पुष्टि करते हुए कहा कि क्षेत्र में धड़ल्ले से खनन हो रहा है, जो वन विभाग, खनन विभाग तथा पुलिस की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा है कि इस खनन माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।